हाय गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, कल मैंने आपको बताया था ऑरेंज फेसियल, और आज मैं बता रही हूँ आपको ऑरेंज जेल। तो ऑरेंज जेल जो बताने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए एक बाउल, और दो ऑरेंज लिया है, और एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑरेंज में जो है विटामिन सी पाई जाती है, और ये आपकी झाइयों को और क्या कहते हैं, काले दाग धब्बों को रिमूव करता है, और आपकी स्किन को उभार के लाता है और शाइन बनाता है। तो गाइस, आप इसको किस तरह बनाते हैं, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए गाइस, मैंने ये ऑरेंज में होल कर लिया है, और मैंने इसका पूरा जूस निकालना है गाइस, और बचे हुए हमें छिकल का भी यूज करना है, और उसको मैं किस तरह यूज करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस देखिए, मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया है। अब गाइस, इसमें मेन चीज क्या मिलाना है, एलोवेरा जेल। तो गाइस, आप फ्रेश भी ले सकते हो और मार्केट वाला भी ले सकते हो। तो गाइस, 1 चम्मच हम मिलाएंगे एलोवेरा जेल। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है, तो मैं अब इसको इसमें ऐड करूंगी। देखिए, मेरा ये जेल बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें विटामिन ई की गोली भी यूज कर सकते हैं, या फिर वे भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने इस बाउल से इसमें आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, देखिए ये कुछ इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए गाइस, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे मॉर्निंग में या फिर नाइट में अगर लगा करके थोड़ा सा हल्का सा हाथ से इस तरह करके आप स्किन में अपने लगा सकते हैं गाइस, देखिए इस तरह करके। तो अगर आप इसको 15 दिन भी यूज करते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको अलग सा निखार समझ में आएगा। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और गाइस मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि ऑरेंज सीरम कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक ऑरेंज सीरम को आपको बताऊंगी, और तब तक के लिए बाय बाय। पर प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।